दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो प्रॉब्लम्स आपके खेती में आते हैं और कौन सी सब्जी आपको अभी लगानी है, कौन सा खाद यूज़ करना है, कौन सा दवाई यूज़ करना है। हमारे साथ में अमित जी हैं और ये एक बहुत अच्छे जानकार हैं। इनका जो इसका शॉप है सीड्स का, और जो इनकी जानकारी से मैं अट्रैक्ट हुआ और इनके साथ में आज हम कोलैब कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पे अमित जी। नमस्कार सभी भाइयों को। जी मुझे बताइए कि अभी अपकमिंग जो मंथ्स हैं, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, तो हम लोग आगे कौन सी सब्जी का खेती कर सकते हैं? जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, हम मई और जून के महीने में जो भी खेती करेंगे तो उसका फसल हमको जून एंड से बरसात के बीच में मिलेगा। अच्छा, तो हमको ये ध्यान रखना है कि उस समय क्या क्या फसल लगाया जा सकता है। जैसा कि मैं सामने कुछ बीज रखा हूँ, वो फसल आप ले सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं करेला है, करेला है, करेला में भी दो तीन वेराइटी आती है। एक लंबा वाला आता है, जैसे अपने पास ये रखा हुआ है, और एक छोटा वाला रहता है। जैसे एक आप ये देख रहे होंगे, छोटा है, एक मीडियम साइज का होता है। तो अलग अलग करेला अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट आता है। जैसे छोटे वाले का रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, ये बिकते ज़्यादा महंगे महंगा बिकता है। तो आपको ये देखना है कि आपके एरिया में किस चीज़ का रेट अच्छा आ रहा है, किस मिट्टी में क्या अच्छा जा रहा है, कौन सा पे कितना मेहनत लगता है और कौन सा मेहनत हम कर सकते हैं। तो बात हो गई करेले की, लगा और क्या क्या कौन कौन से सब्जी है जो लगा सकते? करेला है, टमाटर भी आप ले सकते हैं। बरसात में टमाटर का रेट अच्छा जाता है, अच्छा रहता है। और टमाटर के साथ खीरा भी कर सकते हैं, लौकी है, झींगी, तुरई, इसके बाद मिर्च कर सकते हैं, भिंडी कर सकते हैं। ये सारी सब्जी हम लगा सकते हैं अपकमिंग मंथ्स में। अपकमिंग मंथ्स में, हाँ। अब मुझे थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि मैं जनरली ऐसे बहुत ज़्यादा जानकार हूँ नहीं। हाँ। ये दो सीड्स, हाँ, अब इसमें एक में F1 लिखा हुआ है और एक में F1 नहीं है, तो हम लोग ये कैसे पता? टमाटर का ही पकड़ लीजिए, टमाटर से ही दोनों में अंतर। जैसे एक ये नॉर्मल सीड है जो आप OP के नाम से जानते हैं, ओपन पॉलिनेटेड, ठीक है, और ये है F1 हाइब्रिड। तो हाइब्रिड और OP में अंतर क्या होता है? पहला चीज़ तो आपका प्रोड्यूस में बहुत ज़्यादा अंतर आता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ से हैं, यहाँ की मिट्टी अपने नॉर्दर्न इंडिया से, जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ की मिट्टी उतना उपजाऊ नहीं है। तो यहाँ अपना हाइब्रिड ज़्यादा चलता है, अच्छा, क्योंकि हाइब्रिड का प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा। जहाँ आपकी मिट्टी फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपज देती है, तो लोग हाइब्रिड पर ना जाके अपना नॉर्मल OP वेराइटी पर जाते हैं। जैसे UP साइड OP वेराइटी चलता है। तो पहला चीज़ तो रहेगा रेट का, दूसरा प्रोडक्शन का। आपको अंतर कैसे पता करना है? एक तो F1 लिखा हुआ रहेगा, F1 लिखा हुआ रहने के बाद भी आपको रेट का अंतर आएगा। जैसे ये 50 रुपए का पैकेट है, ये 650 का पैकेट है, दोनों का वजन करीब 10 गुना के आसपास, दोनों का वजन 10 ग्राम है, पर प्रोडक्शन में भी 10, रेट में तो 10 गुना अंतर है, प्रोडक्शन में 50 गुना का अंतर आएगा। ये एक पौधा आपको 10 से 15 किलो दे के जाएगा, ये एक तोड़ाई में आपको 1 किलो 1.5 किलो ही देगा। अच्छा, उसके बाद ये लगभग खत्म हो जाता है। ये देसी वैरायटी, इसमें जर्मिनेशन में भी कमी आती है, इसमें लगभग 70-80% आपका जर्मिनेशन आ जाता है। कोई भी हाइब्रिड हो, हाइब्रिड जैसे आप टमाटर ले लीजिए, कोई भी हाइब्रिड पौधा रहेगा तो 70-80% आपका जर्मिनेशन आ जाएगा। और OP वैरायटी जो लोकल वैरायटी होती है, उसमें जर्मिनेशन आधा या आधा से कम ही आता है। हम लोग अब बात करने वाले हैं कि एकदम स्टार्टिंग से, सबसे पहले हम लोग फसल को, जैसा लगाना है, हम प्लानिंग कर रहे हैं अभी, तो सबसे पहला काम जो होता है वो खेत तैयार करना होता है। तो इस पे बताइए कि अभी अपकमिंग मंथ्स में, जो आगे आने वाले समय में हम लोग खेती करेंगे, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कैसे होगा? जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है, तो गर्मी के समय में दो तरीके से, एक तो ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है, गहरी जुताई करना। आप गहरी जुताई नांगर से या फिर ट्रैक्टर से करके अब खेत को छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, जो भी आपका घास वास लगा है वो उखड़ जाएगा, सूख जाएगा, मिट्टी पलटाता है। जब आप नांगर चलाते हैं तो मिट्टी पलटा जाता है, तो नीचे से जो भी जड़ रहेगा उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, वो सूख जाएगा कुछ दिन में। दूसरा तरीका होता है केमिकल का यूज़। केमिकल का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं? जैसे एक पैराक्वेट करके फॉर्मूला होता है, ये जड़ से घास और कोई भी पौधा रहेगा आपका उस खेत में, उसको मार देगा। एक हफ्ते के अंदर स्प्रे करना रहता है, स्प्रे करना रहता है। एक टंकी में 100 ml लगता है, 1 लीटर का खुराक लगभग 1 लीटर रहता है, 8 से 10 टंकी एक एकड़ में लगेगा। पैराक्वेट फार्मूला से आप कोई भी दवाई ले सकते हैं किसी भी जगह से। ये हर घास को, हर तरह, ये आप ध्यान रखें कि वहाँ कोई भी पौधा आपका या फसल ना लगी हो, ना लगी। पैराक्वेट आपका सारे फसल को, सारे घास को मारेगा। और अलग अलग फसल के लिए अलग अलग
आपके दवाई आते हैं जो कि केवल उस फसल को छोड़ के बाकी घास को मारेंगे। अच्छा, वो भी आता है क्या? वो भी आते हैं, जैसे टमाटर के लिए अलग आएगा, एक फैमिली हो जाती है, जैसे उड़द और दलहन फसल है वो एक फैमिली हो गई, तो उस फैमिली के पौधों को ना मार के बाकी फैमिली के पौधों को मारेगा। टमाटर के लिए अलग आएगा, भिंडी वगैरह के लिए अलग आएगा, सब एक फैमिली है। हम लोग बात करें कि इसके बाद में जैसे पौधे तैयार होने लगते हैं तो सबसे पहले उसमें कीट पतंगी आते हैं, माहो, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे ऐसे चेंज चलते रहता है, तो उन सबसे कैसे बचे, कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, हमको ब्रांड्स पे जाना चाहिए या फिर कुछ और उपाय हैं इसके, उसके बारे में? जैसे आप ब्रांड्स पे भी जा सकते हैं और ऑर्गेनिक पे भी जा सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। ऑर्गेनिक और ब्रांड में एक चीज रहता है केमिकल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक। केमिकल में आपको क्या चीज का ध्यान रखना है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, आप कोई भी उधर से एक पीला एक हरा तो मिल गया मेरे को, ये कोई भी पीला मिट्टी में जो पीला है ना बड़ा है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ग्रीन मार्क दिख रहा होगा आपको, इसके बाद एक येलो मार्क दिख रहा है, इसके बाद एक ये रेड मार्क दिख रहा है, तो ये तीनों में अंतर क्या है, एक और आता है ब्लू मार्क, ये जहर का मात्रा को बता रहा है कि ये केमिकल रासायनिक दवाइयों में कि कितने मात्रा में जहर उपलब्ध है। तो हरा है यानी कि बहुत कम है, इसका असर 3 से 4 दिन 5 दिन तक रहेगा, पीला है 1 हफ्ते तक रहेगा, और जो लाल रहता है सबसे ज़्यादा जहरीला, वो अपना असर 17-18 दिन तक रखता है जी। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप लाल वाला कोई भी दवाई हो, केमिकल फॉर्मूला में भी क्वांटिटी रहता है, उस हिसाब से वो जहर की मात्रा के हिसाब से रेड और वो करके देते हैं, तो अगर आपका रेड वाला भी अगर काम नहीं कर रहा है खेत में तो आपके खेत में फिर कुछ भी काम नहीं करेगा। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि अगर बायो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, केमिकल में भी कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी कि ज़्यादा डोज ना पड़े, ज़्यादा डोज भी आपके खेत के लिए फसल के लिए नुकसान कर सकता है। हम लोग बात करें, अब एक माहो है, एक लीफ माइनर है, एक ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ फंगिसाइड्स हैं, जैसे उसके बारे में हम लोग छोटे छोटे डिटेल में बात करेंगे, वो बता दीजिए। अलग अलग तरह की 3 चीज होता है, एक पेस्ट होता है, एक इंसेक्ट होता है और एक बीमारी होता है, 3 अलग अलग चीज हो गया। तो पौधे जब लगा रहे हैं, जैसे अभी हम बात किए कि खेत तैयार करने से पहले क्या क्या करना है, गहरी जुताई कर लिए, गर्मी का समय है, या पैराक्वेट या कोई भी सफाचट करके आप मार्केट में ले सकते हैं। इसके बाद क्या है, आप कुछ पौधों को नर्सरी तैयार करने रहती है, कुछ के डायरेक्ट आप बुआई कर सकते हैं, जैसे खीरा है, भिंडी है, इसकी नर्सरी की उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, मगर टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, इनको नर्सरी, इनकी नर्सरी आपको तैयार करनी रहती है, आप प्रोट्रे में करेंगे या फिर डायरेक्ट मिट्टी में भी कर सकते हैं अपनी नर्सरी। तो अगर आप प्रोट्रे में कर रहे हैं तो पौधा का जर्मिनेशन अच्छा आता है, पौधे का मैंने आपके बीज की मात्रा कम लगेगी, और अगर मिट्टी में कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता, थोड़ा सा बीज का मात्रा ज़्यादा रहता है क्योंकि जर्मिनेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है प्रोट्रे और इसमें, बस बीज की मात्रा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें टमाटर का, तो आपका प्रोट्रे में तैयार किया हुआ पौधा है तो 7,500 से 8,000 पौधे में आपका रेडी हो जाएगा, एक एकड़ खेत 7,500 से 8,000 पौधे आपके 3 पैकेट या 30 ग्राम बीज में तैयार हो जाएंगे, जबकि आपको अगर मिट्टी में कर रहे हैं नर्सरी तो 60 से 70 ग्राम आपको बीज लग जाएगा। इसके बाद जब बीज आपका रोपाई कर रहे हैं उस समय एक फंगीसाइड का यूज करें, कोई भी फंगीसाइड, जैसे हमारे पास UPL का साफ है, मैंको जब फॉर्मूला रहता है, आप कोई भी फंगीसाइड यूज करें, इससे आपका जो पौधा है वो गलने का शिकायत, जड़ का गलने का शिकायत सबसे पहले होता है कि जैसे निकलता पौधा कुछ दिन में गल के गल के गिरने लगता है, बविष्टिन आता है, अलग अलग फंगीसाइड अलग अलग कंपनी के नाम के आते हैं। अच्छा, तो आप फंगीसाइड यूज करने से जो पौधे में गलन है वो आने का चांस, कोई बीमारी लगने का चांस वो कम कर देता है। और हमको ऐसा नहीं है कि जब कीड़ा लगेगा, जब बीमारी लगेगा तभी दवाई डालना है, तब तक तो आप लेट हो गए, आप पहले से अगर छिड़काव करके रख रहे हैं, बचाव करके रख रहे हैं तो आपका फसल में कोई भी बीमारी नहीं आएगा, और आप मैंने बीमारी से पहले दुर्घटना से देर वाली जो कहावत है वो आप कीड़ा लग जाएगा तब लगाओगे तो कुछ तो नुकसान करके जाएगा। हम लोगों ने बात किया अभी फंगिसाइड के बारे में बात किया, हम लोग उससे जो एडवांस और बीमारियां है उसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी दे दीजिए। बीमारी से हटके एक और चीज होता है पोषण, पौधों में पोषण कैसे देना है, क्योंकि जब आप ट्रांसप्लांट किए तो उसके बाद आपको एक बेसल डोज देना पड़ता है, बिल्कुल,
तो बेसल डोज में आप रासायनिक पे भी जा सकते हैं, रासायनिक के बाद आप जैविक पे भी जा सकते हैं। अगर रासायनिक पे जाना चाहें तो एनपीके है, उसमें बहुत सारे यूरिया है, पोटास है। आप अलग अलग समय पे, जैसे पहला आपका डोज जाएगा 6 से 7 दिन में, सभी फसलों का लगभग एक जैसा ही रहता है। फिर दूसरा आपका 25 दिन में, 25 दिन के बाद आपका जाएगा जब वो फ्लावर देना, जब फूल आना उसके चालू हो जा रहे हैं तब। और फूल आने के बाद फिर अलग अलग डोज रहते हैं उनके, फल ना झड़ने के, फल बढ़ाने के अलग अलग डोज रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आप एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बायो में करना चाहते हैं तो, ह्यूमिक एसिड, जो हमारा वो लाल डब्बे में पड़ा हुआ है। ये ह्यूमिक एसिड क्या करता है कि आपका जड़ों को फैलाना, तना मजबूत करना, पौधा को, एक्चुअली कैल्शियम का पूरा काम करता होगा, पौधे का न्यूट्रिशन खींचने का क्षमता बढ़ाना, ये काम करता है। ये आप केमिकल भी यूज कर रहे हैं तो भी आप ह्यूमिक एसिड डालेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद आपका पौधा लग गया, 6 से 8 दिन का पौधा हो गया, अभी तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा जब बड़ा होने लगता है तो इसमें 2-3 तरह की शिकायतें आती हैं। टुकड़ापन, लीफ माइनर, कीड़े लगने, कीड़ा लगना है, इमामेक्टिन बेंजोइड, और कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमारे पास इमामेक्टिन बेंजोइड में ये हुनार पड़ा हुआ है, और भी 2-3 दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं, ये कोई भी कीड़ा के लिए है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रोकना चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स जो है ना बहुत अलग अलग जगह से हैं, कुछ अदर स्टेट से हैं, कुछ मैं देखता हूँ फॉरेन से भी हैं, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल तब हो जाता है जब वहाँ एक ब्रांड की दवाई नहीं मिलती या कोई सीड्स नहीं मिलते। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि ये वाला सीड हमको कहाँ मिलेगा, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि अगर आप चाहें तो यहाँ से सप्लाई आप कर सकते हैं। हम सभी जगह पैन इंडिया में हर जगह अभी सप्लाई कर रहे हैं। आज ही एक ऑर्डर हम हिमाचल प्रदेश भी भेजे हैं, बैगन का दवाइयाँ भी सप्लाई कर रहे हैं, और उनको बेसिक सलाह सुझाव अगर उनको आप चाहे तो मैं वीडियो में फ्लैश कर सकता हूँ। हाँ, शेयर कर दीजिए। कुछ भी उनको सुझाव सलाह जो भी चाहिए होगा आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जो ये बताना चाह रहा था कि बहुत जगह में मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि बिहार में थोड़ा सा इशू है, उड़ीसा में, कि वहाँ पे ना जो ब्रांड्स की जो सीड है वो अवेलेबल नहीं है, या फिर कुछ भी लगा लेते हैं, और जब लगाते हैं तो करीब 4 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं आता। तो क्यों ना अच्छे बीज खरीदे, अच्छे दवा खरीदे। तो मैं आपको एक नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, यहाँ भी आपको कहीं दिख रहा होगा, और इनसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये आपको होम डिलीवरी करा के देंगे, और सीड्स जो है वो ओरिजिनल आपको मिलेगा। हम लोग अब बात करेंगे लीफ माइनर के बारे में, और जो उसके बाद की जो बीमारियाँ हैं उसके बारे में आपने बताया कि आपके लिए जो दवाई चलाई, बट इसकी जो पहचान है वो थोड़ा सा। हाँ, जैसे लीफ माइनर क्या होता है, आपको जब छोटे छोटे पत्ते रहेंगे तो आपको एक सफ़ेद धारी सा दिखेगा पत्तों के बीच में, ऐसा लगेगा कि सांप चल रहा है, और उसको आप पत्तों को तोड़ के अगर देखेंगे तो उसके बीच में से आपको एक कीड़ा निकलेगा, छोटा सा कीड़ा निकलेगा। अगर आप बायो में जाना चाहते हैं या घर में ही कुछ उपचार करना चाहते हैं तो नीम ऑयल एक उपचार है, और केमिकल दवाइयों में कई दवाई आती हैं, जैसे हमारे पास भी ये एक्रीना करके दवाई है, और अलग अलग दवाई अलग अलग बायर सिंजेंटा अलग अलग कंपनियों में लीफ माइनर के लिए बोलेंगे कोई भी दवाई आराम से दे देगा। ये बहुत कॉमन बीमारी है, और अगर इसका उपचार नहीं किया जाए तो पत्तों में सिकुड़न आना चालू हो जाता है। एक जिसमें है कि वो पत्ते में दिखाई नहीं पड़ता और वो रिटर्न मुड़ने लगता है, कभी नीचे की तरफ और कभी ऊपर की तरफ। एक तो टुकड़ापन सेकंड पेस्ट होता है, एक ब्लाइट, ब्लाइट में आपका पत्ता पूरा सूख जाएगा, अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट दो होता है, और एक होता है टुकड़ापन जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, पत्ता या तो ऐसे है सीधा रहता है तो ऐसे मुड़ेगा या फिर ऐसे मुड़ जाएगा। तो उसमें क्या रहता है, अगर आपका सेकंड पेस्ट है वो क्या करता है, आपके तनों में या फिर पत्तों के बीच में छेद करके उसके जो भी रस आ रहा है या न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उसको चूसने लगता है। तो ये तना छेदक फल छेदक उसी को बोलते हैं, तना छेदक फल छेदक एक अलग हो गया, वो भी वही चीज है, पर वो फल आने के समय पे कर रहा है, तना पे कर रहा है तो तना छेदक हो गया, पत्ती पे कर रहा है तो कुकड़ापन आ गया, अलग चीज वही है, उससे अलग अलग तरह के रोग या फिर बीमारी या फिर प्रॉब्लम दिख रहे हैं। इसके लिए दवाई आपने कौन सा बताया? हम लोग के पास ब्लीच है तना छेदक के लिए, और कुकड़ापन के लिए आप फंगीसाइड भी यूज कर सकते हैं, और फंगीसाइड के साथ हेड जम बायर में आता है, ये सब यूज कर सकते हैं।
तो आई थिंक सारी जानकारी हमने कवर कर ली होगी। अगर मेरे किसी व्यूवर्स को कोई भी और क्यूरी है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम लोग अगले वीडियो को वो भी कवर करेंगे। आपको कोई भी अलग से और कोई इंक्वायरी है, कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आप जो नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है अमित भाई का, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। आपके यहाँ जो भी सीट्स नहीं मिल रहे हैं वो अवेलेबल करा देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अभी तक आपने देख लिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।